तो हमने चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड्स इसकी चर्चा की और जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं इ के दूसरे चार्जेस वहाँ पर हैं कि नहीं वो फील्ड अपने आप में एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है और एक चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन हम लोग ने लिखा और अगर एक कलेक्शन ऑफ चार्जेस है सोर्स के रूप में और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो उसके हम लोगों ने चर्चा है कि और वो कलेक्शन हमने कई प्रकार के देखे एक जिसको हम डिस्क्रीट कहते हैं डिस्क्रीट यानी अलग अलग पॉइंट चार्जेस हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसी हालत में हमने कहा कि हमारे अलग अलग पॉइंट चार्जेस हैं कहीं 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 और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आर पे हम देखना चाहते हैं किसी खास पॉइंट आर पे ये ये पॉइंट है जिसका पोजिशन वेक्टर आर है यहाँ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने कहा कि आप सभी चार्जेस जो हैं एक दो तीन चार पाँच छः सभी चार्जेस जो हैं उनके लिए जोड़ लगाइए और हर एक चार्ज के लिए हर एक चार्ज के लिए आप एक्सप्रेशन लिखें बाई फोर पाइप सलन नोट आने वाला है ऐसा ऐसा आर माइनस आर आई डैश और तब इसका क्यूब क्या है ये दोनों क्या है ये जैसे जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड चाहिए उसका ये पोजीशन वेक्टर आर है और ये जो चार्जेस हैं उनके पोजीशन वेक्टर जो हैं वो ये आर वन प्राइम आर टू प्राइम आर थ्री प्राइम ये सब हैं तो ये जैसे अगर पहला कहें तो ये आर वन प्राइम होगा और ये जो चीज़ है आर माइनस आर आई प्राइम ये क्या है ये वस्तुतः इस चार्ज से यहाँ तक का ये पोजिशन वेक्टर यहाँ पर है और उसी का जो मैग्नीट्यूड है ये जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर है तो ऐसा करके हम लोग लिखते हैं फिर हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की चर्चा की और उसमें हमने तीन वेराइटीज़ की लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ये हमने चर्चा की जिसमें हमने कहा कि एक लाइन है एक पतली लाइन है और पतली मतलब कितनी पतली आखिर चार्जेस रखना है तो कोई तो मटेरियल होना चाहिए जिसके ऊपर रखना है और मटेरियल होगा तो मोटाई तो होगी ही होगी लेकिन कितनी पतली तो जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उससे जो डिस्टेंसेस हैं इसके उसकी तुलना में ये पतली है तो हम उसको लाइन चार्ज अप्रॉक्सीमेट करते हैं और वैसी हालत में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी ये डिफाइन की और ये हम लोग लैमडा ऐसा लिखते हैं आर प्राइम जब भी हम सोर्स की बात करते हैं चार्जेस जिनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है उनकी जब हम बातें करते हैं तो हम प्राइम लगा लगा करके लिखा करते हैं तो ये डी क्यू प्राइम बाई डी एल प्राइम इस पर अगर कोई छोटा लेंथ डी एल प्राइम है तो उसमें कितना चार्ज है वो हमने डी क्यू प्राइम लिखा और वो जो भाग लगाते हैं तो वो बना लीनियर चार्ज डेंसिटी और चूँकि इस लाइन के अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग हो सकता है उतने ही डी एल प्राइम पर यहाँ ज़्यादा चार्ज हो यहाँ कम चार्ज हो यहाँ पॉजिटिव हो वहाँ नेगेटिव हो, हो सकता है इसलिए ये इसका फंक्शन है किस जगह का पर ये चार्ज मैं ले रहा हूँ ये डी ले रहा हूँ डी एल प्राइम ले रहा हूँ वहाँ का ये फंक्शन है ये हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन की और तब हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग लिख सकते हैं इंटेग्रेशन अब यहाँ समेशन की जगह इंटेग्रेशन और जो ये जो चार्ज है इस चार्ज की जगह लेमडा इंटू डी प्राइम लेमडा एट आर प्राइम इंटू डी प्राइम ये चार्ज की जगह पे है बाकी सब कुछ वही है आर माइनस आर प्राइम ये आर प्राइम वो पोजीशन है जहाँ पे हम ये डी प्राइम ले रहे हैं और जहाँ का ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है वही आर प्राइम ये है और डिवाइडेड बाय फोर पाई एक्सलन नाट आर माइनस आर प्राइम क्यू और फिर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी बात की अगर एक सरफेस के ऊपर चार्ज है कोई एक सरफेस है और सरफेस पर चार्ज है इस पर चार्ज है तो हमने वहाँ पे कहा कि एक छोटा सा हमने एरिया बनाया छोटा एरिया बनाया जिसको हम डी ए प्राइम कहते हैं और कहाँ पर बनाया ये डी ए प्राइम तो जो पोजीशन है उस डी ए प्राइम का वो है आर प्राइम ऐसा जैसे यहाँ पर भी ये है आर प्राइम इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है ये आर प्राइम जो हमने यहाँ लिखा है उसी तरह यहाँ हमने एक एरिया बनाया और उस एरिया जहाँ पर बनाया है उसका जो पोजिशन वेक्टर ओरिजिन से खींचेंगे उसको हम ये आर प्राइम कहेंगे और इस जगह पर इतने एरिया में कितना चार्ज है उसको देखेंगे तो हम कहेंगे कि सिग्मा आर प्राइम सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है डी क्यू प्राइम बाई डी ए प्राइम ऐसा और फिर इसी तरह से हम उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे इंटेग्रेशन चार्ज की जगह हम लिखेंगे सिग्मा इन डी ए प्राइम तो सिग्मा आर प्राइम डी ए प्राइम ये चार्ज की जगह पर हो गया इस चार्ज की जगह पर हो गया और ये जो है आर माइनस आर प्राइम ऐसा हो गया और फिर डिवाइड बाय फोर पाई एप्सल नॉट और आर माइनस आर प्राइम का क्यूब ये जो डिस्टेंस है उसका क्यूब क्यूब इसलिए क्योंकि एक यूनिट यहाँ भी है तो कट के वन बाई आर स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर ऐसा ये बनता है और फिर हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फाइनली बात की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी बात हमने की और इसमें हमने कहा कि एक वॉल्यूम है एक थ्री डिमेंशनल वॉल्यूम रिम है और उस थ्री डिमेंशनल वॉल्यूम के अंदर में चार्जेस हैं और उसके अंदर में हमने एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट बनाया जिसको हम लोगों ने डी टो प्राइम ऐसा बोला कहां बनाया फिर से ही आर प्राइम पे बनाया और तब हम लोग डिफाइन करते हैं रो आर प्राइम इसको हम क्या बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं और कैसे डिफाइन किया हमने वैसा ही डी क्यू प्राइम बाई डी टॉ प्राइम ये वॉल्यूम है डी टॉ प्राइम ये छोटा वॉल्यूम है और इसके आधार पर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर चार्ज की जगह हम लिखेंगे ये जो चार्ज है यहाँ पे यहाँ पे वैसे रो और ये डीटो प्राइम आर प्राइम रो एट आर प्राइम एंड देन डीटो प्राइम ये ये हो गया चार्ज के स्थान पे इंटेग्रेशन यानी ये चार्ज ये चार्ज जो आर प्राइम पे जो चार्ज है ये आर प्राइम है यहाँ पे जो ये चार्ज था तो और उसके बाद वही आर फेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर डिवाइडेड बाय फोर पाई फाइव नोट मॉड ऑफ आर माइनस आर प्राइम का क्यूब का क्यूब तो इस तरह से हम लोग अलग अलग किस्म के जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं ऐसे देखें तो हर एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं और उसके लिए गणित का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं जैसे अगर ये सरफेस चार्ज है मान लें एक छोटा उदाहरण लेते हैं मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है अपना ये एक्स वाई प्लेन है एक्स एक्सेस है वाई एक्सेस है और फिर जेड एक्सेस है और इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये कोई सरफेस है और यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं यहाँ कुछ चार्जेस हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ये सरफेस है इस सरफेस पर चार्जेस हैं जैसे अपने हॉर्जेंटल में देखें तो एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है एक्स वाई प्लेन हो गया इसी एक्स वाई प्लेन पर सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और फिर जेड एक्सिस ऊपर है नीचे है तो आपने एक फंक्शन का नाम सुना होगा उसको हम लोग कहते हैं डिरट डेल्टा फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं डेल्टा एक्स माइनस एक्सनॉट ऐसा ऐसा लिखते हैं ये एक्सनॉट एक खास वैल्यू है एक्स का और इसका ये वेरिएबल है ये जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम लोग एक्स का फंक्शन है और ऐसा लिखते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये सब जगह जीरो ये मान लो एक्स नॉट पॉइंट है ये फंक्शन हर जगह ज़ीरो है ज़ीरो है ज़ीरो है ज़ीरो है जीरो है ज़ीरो है ज़ीरो है ज़ीरो है यहां भी जीरो है जीरो है जीरो है हर जगह जीरो है एक्सेप्ट एट एक्स नॉट, और यहां पे एकदम से इंफिनिटी है एकदम इंफिनिटी है और फिर बाकी सब जगह पे जीरो है लेकिन कैसा इंफिनिटी है ऐसा इंफिनिटी है कि अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें एक्स पे और ये एक्स नॉट उसके बीच में हो इंटेग्रेशन के लिमिट के बीच में हो ऐसे आप माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी भी लिख सकते हैं तो निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ एक्सनॉट जरूर बीच में है और भी कुछ लिख लीजिए एक्सनॉट बीच में होना चाहिए तो फिर उसका मान है वन यानी एरिया एरिया अंडर दिस शुड बी वन ये इंफिनिटी हाइट है और विथ जीरो एरिया अगर सोचे एक बहुत ही प्राइमरी लेवल के ऊपर तो हाइट इनटू विथ तो हाइट इन्फिनिटी है विथ जीरो है लेकिन प्रोडक्ट उसका वन है ऐसा अगर हम निश्चिंत होते हैं निश्चित करते हैं सुनिश्चित करते हैं तो ऐसा फंक्शन जो है वो डिराक डेल्टा फंक्शन कहलाता है तो ऐसे फंक्शन आप बना सकते हैं इसको मान लीजिए एक लिमिट के रूप में बना सकते हैं मान लीजिए एक हमारे पास में एक ऐसा फंक्शन है ये एक्स नॉट है और उधर ये मान लीजिए कि ये जो लेंथ है ये ए है और ये भी लेंथ ए है तो ये पूरा जो है वो टू या ए ही ले लीजिए ये पूरी विथ्थ ए है ये बीच में है और दोनों तरफ ए बाई टू ए बाई टू इतनी दूर और फंक्शन कैसा है जीरो ज़ीरो जीरो और यहाँ आकर के ये हाइट पकड़ लिया अब फंक्शन इतना 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 और ये हाइट कितनी है इस ये हाइट है वन बाई ए तो इसका एरिया अगर देखेंगे एरिया अंडर द कर्व तो वो मिलेगा वन बाई ए इंटू ए बराबर वन तो ए का कोई भी मान हो ये एरिया वन है और इसलिए ए को अगर मैं छोटा करता चला जाऊँ छोटा करता चला जाऊँ छोटा करता चला जाऊँ तो अंत में क्या होगा ये छोटा होते 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 एक पॉइंट पर सिमट गया लेकिन वन बाई ए बड़ा होते 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 इन्फिनिटी पहुंच गया और हर बार एरिया इसका वन होना है तो इसलिए उस लिमिट में भी वो एरिया हम वन ही लेंगे और ये डिराक डेल्टा फंक्शन बन जाएगा सो so, इसका लिमिट एज ए टेंस टू जीरो विल बी दिस तो ऐसे फंक्शन को अगर आप इस्तेमाल करें और यहाँ मान लीजिए कि ये सिग्मा और एक्स प्राइम वाई प्राइम हाँ ये पॉइंट कोई है जहाँ पर कि ये एक्स प्राइम वाई प्राइम इसके कोऑर्डिनेट हैं और यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इतनी है तो हम इसको एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रूप में भी लिख सकते हैं हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली वॉल्यूम चार्ज है और इसका एक जो वैल्यू है इसका फंक्शन का जो वैल्यू है वो है ये सिग्मा जो फंक्शन एक्चुअल फंक्शन है और डेल्टा जेड यानी डेल्टा जेड माइनस ओरिजिन याद रखिएगा ऐसा ये अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिक्लेयर करूं कि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका फंक्शन क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का तो ये फंक्शन है तो आप देखें जब भी z बराबर जीरो नहीं होगा ये चीज जीरो हो जाएगी क्योंकि यही फंक्शन है जब भी x बराबर एक्स नहीं होता है तो ये फंक्शन जीरो हो जाता है जीरो 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 केवल एक्स नॉट पर ही इसका फंक्शन नॉन जीरो है और इन्फिनेटी है तो जब भी z बराबर ओरिजिन नहीं है ओरिजिन पर मैं नहीं हूं कहीं भी z बराबर z बराबर जीरो नहीं है एक्स वाई प्लेन में मैं नहीं हूं उसके ऊपर हूं या उसके नीचे हूं तो z बराबर जीरो नहीं है तो ये चीज जीरो हो गई रोइ जीरो यानी इसके ऊपर भी चार्जेस नहीं है इसके नीचे भी चार्जेस नहीं है और अगर हम यहाँ पर हैं अगर हम यहाँ पर हैं तो वैसी हालत में हम चार्ज कैसे लिखेंगे अगर हम चार्ज लिखते हैं तो वो चार्ज हम कैसा लिखते हैं वो चार्ज है रो डीटो है ना रो डिटो रो डिटो ऐसा रो डिटो प्राइम ये चार्ज है ये डी क्यू प्राइम है तो अगर हम टोटल चार्ज लिखते हैं मान लो ये ऐसा है और ऊपर नीचे हम लेकर के टोटल चार्ज लिखते हैं और इंटीग्रेट करते हैं रो डिटो को तो क्या बनेगा सिग्मा एक्स प्राइम वाई प्राइम तो है ही उसका तो फंक्शन ही है डेल्टा जेड ये है और उसका डीटो प्राइम डीटो प्राइम इन्स डी एक्स प्राइम डी वाई प्राइम डी जेड प्राइम वॉल्यूम एलिमेंट डीटो तो प्राइम जो है मेरा वॉल्यूम एलिमेंट है तो एक्स वाई जेड में अगर लिखते हैं तो डी एक्स प्राइम डी वाई प्राइम डी जेड प्राइम तो क्या बना सिग्मा x प्राइम y प्राइम का फंक्शन है इंटू डी एक्स प्राइम और डी वाई प्राइम ये बना और अलग से ये जो डेल्टा z है और यहाँ पे ये जो z प्राइम कह लें इसको z प्राइम प्राइम सारे सोर्सेज में हम लोग प्राइम लगाते हैं डी जेड प्राइम और अब आप देख लीजिए ये जो चीज़ है अगर z बराबर जीरो इसके अंदर है मतलब हमने एक इस प्रकार का मान लीजिए एक सिलेंडर जैसा कुछ बना लिया और ये इसको यहाँ पर ऐसा काट रहा है z यहाँ पे जीरो इसके अंदर है और तब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये चीज़ बंद हो जाएगी ये पूरी चीज़ वन हो जाएगी डेल्टा फंक्शन के डेफिनेशन के मुताबिक ये पूरी चीज़ बंद हो जाएगी और तब वही हो गया जो जो हमने सिग्मा इंटू डी ए प्राइम ये सिग्मा इंटू डी ए प्राइम जो हमने ये डेफिनेशन यहां दिया था सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए डी क्यू प्राइम बराबर सिग्मा इंटू तो डी ए प्राइम और फिर उसको आप इंटीग्रेट कर लो तो पूरा जो जितनी दूर में आप चार्ज चाहते हो वही चीज निकल करके आ जाएगी और अगर आपने ऐसा कुछ बना लिया है ऐसा कुछ बना लिया है और z इक्वल टू जीरो उसके अंदर नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा तो यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं और उसकी जो डेंसिटी बनाएंगे आप चार्ज डेंसिटी उसमें डेल्टा फंक्शन कहीं ना कहीं आ जाएगा इसी तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी को भी आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं और उसके लिए भी जब आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने डेल्टा फंक, फंक्शन डेल्टा फंक्शन आएंगे वहाँ पर तो हर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में लिखा जा सकता है तो हम आगे बहुत सारे अपने रिजल्ट केवल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्थापित करेंगे और वो मान के हम चलेंगे कि वो लीनियर और सरफेस उनके लिए भी स्थापित हो गए तो ये ये चीज़ ध्यान में रखेंगे चार्जेस में जो हमने ये सारा किया हम थोड़ा सा एक अभ्यास करने के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से कैसे हम ये इंटेग्रेशन करते हैं और इंटेग्रेशन करके हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं थोड़ा उसका अभ्यास करने के लिए हम एक सवाल बनाते हैं अभी पहले जगह बनाएं तो प्रश्न है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन विथ द ओरिजिन एट द सेंटर तो क्या हुआ अगर हमने ये एक्स वाई प्लेन बनाया एक्स यहां वाई यहां और इस प्लेन में एक सर्कुलर रिंग है सर्कल जैसा आपको दिखे या ना दिखे ये सर्कुलर रिंग है कुछ तो दिखना भी चाहिए भाई और ओरिजिन जो है वो इसके सेंटर पर है मान लीजिएगा कि इसका ये सेंटर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर रिंग ऑफ रेडियस प्लेस्ड इन द ओरिजिन एट द सेंटर चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द रेडियस मेक्स एन एंगल फाइव प्राइम विद एक्सेस एट ए पॉइंट वेयर द रेडियस मेक्स एन एंगल फाइव प्राइम विथ द एक्स एक्सेस तो यानी इस एक्स एक्सिस के साथ रेडियस फाइव प्राइम एंगल बनाता है उस पॉइंट पर इस पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी वो दी गई है फाइव प्राइम के फंक्शन के रूप में लैमडा एट फाइव प्राइम लैमडा एट फाइव प्राइम बराबर लैमडा नॉट साइन फाइव प्राइम लेमडा नॉट साइन फाइव प्राइम ये चार्ज डेंसिटी दी गई है वेयर लैमडा नॉट इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट तो कैसी चार्ज डेंसिटी है ये ये वो पॉइंट है जहां रेडियस एक्स एक्सिस से फाइव प्राइम का बनाता है और यहां जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो इतनी है तो आप देखें अगर आप यहां पर हैं एक्स एक्सिस पर इस जगह पर है रिंग में इस जगह पर है आप तो फाइव प्राइम क्या है यहां पे जीरो फाइव प्राइम जीरो तो साइन फाइव प्राइम वो भी जीरो ये भी जीरो तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी ज़ीरो है और जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे ये फाइव प्राइम बढ़ता जाएगा और ये चार्ज डेंसिटी जो है वो भी बढ़ती जाएगी पॉजिटिव होगी बढ़ती जाएगी और पाई बाई टू पर मैक्सिमम इसका वैल्यू वन साइन ऑफ पाई बाई टू इज वन यानी यहाँ पर कुछ चार्ज नहीं है उसके बाद थोड़ा कम चार्ज डेंसिटी है उसके बाद थोड़ी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है उसके बाद और भी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है और भी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है यहाँ पर आकर के बहुत सारी चार्ज डेंसिटी है और फिर इधर आएंगे तो फिर से चार्ज डेंसिटी कम होने लगेगी यहाँ पर थोड़ी कम है यहाँ पर उससे भी कम है यहाँ उससे भी कम है और यहाँ आते आते शून्य है इस प्रकार का वातावरण और उससे भी आगे बढ़ जाएं, 180 डिग्री से भी आगे बढ़ जाएं, तो फिर इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा और इसी तरीके से आप देखें कि यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ और भी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ये बढ़ती जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी फिर इधर घटेगी फिर इधर घटेगी और यहाँ कर ज़ीरो हो जाएगी इस प्रकार का ये चार्ज है रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्म नहीं है कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है और उसमें भी कहीं ज़्यादा डेंसिटी है कहीं कम डेंसिटी है ऐसा है तो ये फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो जेड नॉट तो जेड एक्सिस अगर है यहां पे ऐसा जेड एक्सिस आने वाला है तो इस जेड एक्सिस पर एक पॉइंट है ज़ीरो ज़ीरो जेड नॉट यानी यहां से जेड नॉट डिस्टेंस पर एक पॉइंट है वहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से तो अगर आप जेड एक्सिस कहीं बनाते हैं बोर्ड पे ऐसा कुछ जेड एक्सिस दिखाते हैं तो यहाँ कहीं पर वो पॉइंट है जीरो जीरो जेड नॉट इस जगह पे हमें इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक लाइन के ऊपर सब कुछ बटा हुआ है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं कि एट आर इज इक्वल टू इंटेग्रेशन लैमडा एट आर प्राइम डी प्राइम ये चार्ज हो गया डिवाइडेड बाई फोर पा एप्सल नॉट यहां हो गया आर माइनस आर प्राइम ये यहां हो गया और इसी आर माइनस आर प्राइम का मॉड क्यूब ये यहां हो गया ये एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्या क्या लिख जाए क्या क्या लिख जाए पहले इसी इसको लिखिए लैम्डा एट आर प्राइम व्हाट इज आर प्राइम व्हाट इज आर प्राइम एक हमने एक एलिमेंट लेना है एक डीएल प्राइम लेना है डीएल प्राइम कहां पर लेना है आर प्राइम पर लेना है तो यहां पर हम एक डी एल प्राइम बनाने वाले ये, ये हम ये डीएल प्राइम बनाने वाले यहां पर। और ये जो पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है ये आर प्राइम तो आर प्राइम क्या लिखेंगे ये पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से यहां तक का okay? एक लाइन पर जब हम चार्ज रखते हैं तो उसमें एक एलिमेंट डीएल प्राइम लेते हैं और कहां पर लेते हैं जहां का पोजीशन वेक्टर ये आर प्राइम है तो यहां का पोजीशन वेक्टर आर प्राइम क्या है तो आप देख लीजिए ये कैपिटल आर है इस पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे एक इधर और एक इधर इधर आर कॉस फाइव प्राइम और उधर आर साइन फाइव प्राइम तो यह आर कॉस फाइव प्राइम आई कैप इस डायरेक्शन में प्लस आर साइन फाइव प्राइम जे कैप डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में तो ये आर प्राइम वेक्टर को हमने ऐसा लिखा और ये आर क्या है ये वाला वेक्टर क्या है आर ये है जिस जगह पे फील्ड हम निकाल रहे हैं उसका पोजिशन वेक्टर अभी हम कहा फील्ड निकालना चाह रहे हैं जेड एक्सिस पर जीरो जीरो जेड नॉट पर इसका जो पोजिशन वेक्टर है ओरिजिन से अगर आप इसको मिलाइए तो ये जो पोजिशन वेक्टर है ये है आर तो वो क्या है ये ओरिजिन है ये z एक्सेस पर है और z नॉट दूरी के ऊपर है तो ये सीधा है z नॉट k कैप i कैप x एक्सेस की तरफ यूनिट वेक्टर j कैप y एक्सेस की तरफ यूनिट वेक्टर k कैप z एक्सेस की तरफ यूनिट वेक्टर ये y एक्सेस की तरफ यूनिट वेक्टर ये x एक्सेस की तरफ यूनिट वेक्टर और ये z एक्सेस की तरफ यूनिट वेक्टर अब आप यहां रखते चलिए इस इंटीग्रेशन को केवल मैं लिख रहा हूं लैम्डा r प्राइम ये तो वेरिएबल है इसको तो लिखना पड़ेगा देन डी एल प्राइम देन आर माइनस आर प्राइम डिवाइडेड बाई आर माइनस आर प्राइम का क्यूब इसको लिख रहा हूं लैम्डा इस जगह पर ये है आर प्राइम वेक्टर ये है आर प्राइम वेक्टर ये वाला वेक्टर जो है वो है आर प्राइम वेक्टर यहां पर लैम्डा क्या है लैम्डा नॉट साइन फाइव प्राइम लैम्डा नॉट साइन फाइव प्राइम ये है लेमडनानॉट साइन फाइव प्राइम ये है ये इसके बाद लिखिए डीएल प्राइम ये डीएल प्राइम ये छोटा सा डिस्टेंस चलना है मेरे को तो ये डीएल प्राइम है तो छोटा सा डिस्टेंस चलेंगे तो जो फाइव प्राइम है उसमें डी फाइव प्राइम की बढ़ोतरी होगी ये ये छोटा वाला डी फाइव प्राइम फाइव प्राइम में जो इंक्रीमेंट है उसको कैलकुलस में डी फाइव प्राइम लिखते हैं ये फाइव प्राइम और उसके बाद ये डी फाइव प्राइम तो जो ये जो डीएल प्राइम है वो होगा कैपिटल आर इंटू डी फाइव प्राइम तो इस डीएल प्राइम की जगह हम लिखेंगे कैपिटल आर इंटू डी फाइव प्राइम ये इसकी जगह हो गया आर माइनस आर प्राइम वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर प्राइम ये है वेक्टर आर और ये है वेक्टर आर प्राइम घटा लीजिए इसमें से इसको घटा लीजिए क्या लिखेंगे z नॉट के कैप और फिर घटाइए माइनस r cos phi प्राइम i कैप और माइनस r sin phi प्राइम j कैप यह हो गया आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर यह है आर वेक्टर और ये आर प्राइम वेक्टर हमने ये आर प्राइम वेक्टर घटा लिया और उसके बाद नीचे इसका मॉड ये जो घटा के आया है ना इसका मॉड तो अगर आपके पास कोई वेक्टर हो अगर आपके पास कोई वेक्टर हो एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप तो अगर उसका मॉड लिखना है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या लिखते हैं एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट ये इसका मॉड है तो ये जो तीनों कंपोनेंट हैं के कैप के पीछे जो है आई कैप के पीछे जो है जे कैप के पीछे जो है उसको स्क्वायर करना है जोड़ना है स्क्वायर रूट लेना है तो पहले स्क्वायर करके जोड़िए जेड नोट का स्क्वायर ये हो गया प्लस इसका स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्राइम प्लस इसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्राइम ये सबको जोड़ दिया हमने स्क्वायर करके जोड़ दिया फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है और उसका तीन पावर और लगाना है तो यानी इस पे पावर थ्री बाई टू तो क्या बन गया अब इसको फिर से लिखना है हमें तो उसके लिए हम थोड़ा स्पेस बनाए यहीं पर स्पेस बना सकते हैं अब हम तो ये क्या क्या हो गया लैमडा नॉट साइन फाइव प्राइम कैपिटल आर कैपिटल आर डी फाइव प्राइम आने वाला है डी फाइव प्राइम लिखेंगे बाद में डी फाइव प्राइम बचा है जेड नॉट के कैप माइनस आर कॉस फाइव प्राइम आई कैप माइनस आर साइन फाइव प्राइम जे कैप और इस टोटल के ऊपर डी फाइव प्राइम भी है और नीचे देखिएगा ये दोनों मिलके हो गए आर स्क्वायर तो ये है जेड नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर थ्री अब ये तो गणित से हो गया लेकिन आप यहां से एक फिजिकली भी देखने की कोशिश कीजिए कि अगर हमारे पास ये सर्कुलर रिंग है एक्स वाई प्लेन में ये एक्स वाई प्लेन है मान लीजिए ये वाई एक्सेस है एक्स एक्सेस है और हमने यहाँ पे z एक्सिस पे ये हमारा पॉइंट है z नॉट दूरी के ऊपर तो ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है ये ये वेक्टर है जहां पे मेरा वो चार्ज एलिमेंट है वहां से और जिस पॉइंट पे मैं फील्ड निकालना चाहता हूँ उस तक का वेक्टर है ये तो dl प्राइम अगर हमने यहाँ कहीं पर लिया है ये यहाँ कहीं पर dl प्राइम लिया है तो यहां से और जहां फील्ड निकालना चाहता हूं ये वाला डिस्टेंस ये वाला जो डिस्टेंस है वो है आर माइनस आर प्राइम और ये आप बहुत आराम से देखते हैं ये कैपिटल आर हो जाएगा ये रेडियस सभी जगह ये रेडियस कैपिटल आर है और ये जेड नॉट है और ये परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना जो रिंग है हमारी एक्स वाई प्लेन में है तो कहीं पर भी आप पॉइंट लें उस रिंग के ऊपर ऊपर जेड एक्सेस है तो हमने अगर ये आर बनाया है यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में और जेड एक्सिस है तो 90 डिग्री का एंगल है तो ये 90 डिग्री का एंगल है और इसलिए ये जो लेंथ होगी वो अपने राइट एंगल ट्राइंगल के अनुसार जेड नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट यही इतनी लेंथ होगी उसी का क्यूब है तो अंत में उसी का क्यूब आने वाला है अब हम इंटेग्रेट करने वाले हैं और इंटेग्रेट करने में आई कैप जे कैप के कैप ये फिक्स्ड वेक्टर्स हैं और इसलिए इन तीनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं तो ये ध्यान रखिएगा हमने क्या छोड़ रखा है फोर पाइप नॉट छोड़ रखा है ये तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे या ई e लिखेंगे ई एक्स लिखिए ई एक्स आर एक्स कॉम्पोनेंट लिखिए तो क्या लिखेंगे हम इसका एक्स कॉम्पोनेंट केवल ये वाला लिखना है ये नहीं लिखना है ये नहीं लिखना है ये इन ये, ये क्या लिखा माइनस लेमडा नॉट आर स्क्वायर साइन फाइव प्राइम और कॉस फाइव प्राइम ये डिवाइडेड बाय फोर पाई एक्सल नॉट जेड नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थ्री बाई टू ये इतना बन गया ये आई कैप वाला कंपोनेंट इंटेग्रेट हो गया और चूंकि आई कैप कांस्टेंट है इसलिए केवल यही इंटेग्रेट होगा आई कैप अपना पड़ा रहेगा ये हमारा एक्स कॉम्पोनेंट बना और इसको हमें इंटीग्रेट करना कहाँ से कहां तक इंटीग्रेट करना पूरी रिंग कैसे आएगी जब ये फाइव प्राइम जो है वो हमारा जीरो से शुरू हो करके और टू पाई तक जाएगा फाइव प्राइम बराबर जीरो से शुरू होकर के जब टू पाई तक जाएंगे तो पूरी रिंग पे हम सब जगह घूम लेंगे सारे dl प्राइम dl प्राइम dl प्राइम हो जाएंगे उन सबको हमें ऐड करना है ये होगा ई एक्स एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइव प्राइम डी फाइव प्राइम अब तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं ये पूरा कांस्टेंट है ये पूरा कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा और साइन फाइव प्राइम कॉस फाइव प्राइम डी फाइव प्राइम ये आप इंटीग्रेशन कर लीजिए और ये जीरो आने वाला है तो एक्स कॉम्पोनेंट नहीं है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स कॉम्पोनेंट नहीं है उसी प्रकार से आप वाई कॉम्पोनेंट पर जाएं, z कॉम्पोनेंट पर जाए y कॉम्पोनेंट अगर लिखना है आपको ई वाई लिखना है ई वाई लिखना है एट आर तो वो कितना बनेगा e R, R वो कितना बनेगा तो उसके लिए आप y इस वाले को लिखेंगे इस वाले को तो क्या हुआ लैमडन नॉट आर साइन phi तो पहले से था ये वाला और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे माइनस आर साइन फाइव प्राइम से तो माइनस आर साइन फाइव प्राइम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया डी फाइव प्राइम और डिवाइडेड बाय जेड नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थ्री बाई टू एंड फोर पाई एफ नॉट और ये पूरा जो है ये इतना ये सब कांस्टेंट है ये इतना सारा कांस्टेंट है केवल आपको इंटीग्रेट करना है किसको इसको और ये एक प्यारी सी चीज़ है मौका है मैं बता दूँ इसका अगर इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक करना है तो फाइव प्राइम गोइंग फ्रॉम ज़ीरो टू टू पाई तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है एक साइकिल में अगर देखें ये ज़ीरो से टू पाई है ये ज़ीरो है ये टू पाई है ये साइन का ग्राफ है ये साइन फाइव अगर आप प्लॉट करेंगे तो ऐसा आएगा साइन स्क्वायर फाइव अगर करेंगे तो वो कैसा आएगा ये साइन phi का आ रहा है साइन स्क्वायर फाइव करेंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव बनने वाला है कुछ मैग्नेट्यूट इधर उधर होने वाले हैं ऐसा आएगा ये जीरो है ये पाई है और ये टू पाई है और याद रखिएगा साइन स्क्वायर का और कॉस्ट स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हाफ होता है अगर आपने एक फुल टाइम पीरियड लिया या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड लिया तो इसका एवरेज वैल्यू हाफ़ है और चूँकि इसका और इसका बराबर है इसलिए इसका भी एवरेज वैल्यू हाफ़ है और इसमें भी ये पार्ट और ये पार्ट एवरेज बराबर है तो इसका भी एवरेज हाफ़ है इसका भी एवरेज हाफ़ है इसका भी एवरेज हाफ़ है इसका भी एवरेज हाफ़ है, 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 है तो इसका फ़ायदा हमेशा उठा सकते हैं तो ये जो इंटीग्रेशन बनेगा ये टू पाई इसका रेंज है एवरेज वैल्यू हाफ़ है तो हाफ़ इंटू टू पाई ये इतना इसका इंटाग्रेशन बनने वाला है अब कर भी सकते हैं इंटरग्रेशन के रूल्स के मुताबिक ये आने वाला है तो ये इंटग्रेशन जब करेंगे ई वाई के लिए ये पूरा इस पूरे का इंटेग्रेशन करेंगे फाइव प्राइम गोइंग फ्रॉम जीरो टू पाई तो ये कांस्टेंट जितना है वो रहेगा और इंटेग्रेशन से आपको ये एक्स्ट्रा पाई आने वाला है तो उतना उसका वाई कॉम्पोनेंट बनेगा और जेड कॉम्पोनेंट के लिए इसी प्रकार से आप इसको लेकर के चलेंगे सिर्फ साइन फाइव प्राइम होगा और डी फाइव प्राइम होगा तो अगर केवल साइन फाइव प्राइम को अगर आप कर रहे हैं इंटीग्रेट तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव मिलकर के जीरो जीरो होना ही है उसको तो एक्स कॉम्पोनेंट नहीं है जेड कॉम्पोनेंट नहीं है पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डिरेक्शन में है और वो कितना है वह आपको यहां से मिलेगा तो इस प्रकार से हम लोग इस को इस्तेमाल करते हैं इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हैं वैल्यूशन करते हैं